signature pan masala. The taste of victory. आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। आज
लेकिन वो गांधी अवाम है, तुम्हें कैसे उठाएगी? बालक बन जाओगे तो मैया गोद में उठा के दुलार करेगी, तने तने रहोगे तो तने तने रहोगे। ताने सामियाने दो जरी के समसीर, ताने ताने चौक चांदनी विचित्र छत्र ताने हैं। क्या बात है, ताने सामियाने दो जरी के समसीर। एडीआई न्यूज रामकथा महोत्सव में बालाजी महासभा की सदस्य आप आरती जी उनसे बात करा रहे हैं। देखिए जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में क्या कहना है? मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ रामकथा में, क्या कहूँ, ये अपने भारत की जो एकता और अखंडता का प्रतीक है, ये राजन भैया और मान का जो एक बहुत बड़ा सपना था जो रामकथा में सबको कौमी एकता गंगा जमुनी तहजीब की जो इन्होंने एक बहुत अच्छी मतलब जो प्रक्रिया अपनाई है रामकथा में, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, धर्म से, न जात से, सिर्फ हिंदुस्तान के, हमारे अखंड हिंदुस्तान के लिए सब एक हैं। और राम जितनी अच्छी कथा हो रही है और जितना लोग यहाँ आ गए हैं, मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को इकट्ठा करने की जो राजन भैया और अरमान जी के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि इन्होंने सबको एक किया और हम लोग कथा सुनकर के बहुत ही अंदर से मैं महसूस कर रहे हैं। ऊपर से साथ में इसमें सब लोग रात में भोजन करके जाते हैं, पहले भजन सुनते हैं फिर भोजन करके जाते हैं, 5 से 7 हज़ार लोग करीब आते हैं रोज़ बिल्कुल। राजाजीपुरम तो वैसे भी बहुत अच्छा गढ़ है मतलब भव्यता का और जो हमारी पवित्रता का, उसकी गंगा जो बह रही है वो सदैव बहती रही है, हम चाहते हैं। हमारी अध्यक्षा हैं बालाजी महासभा के संस्थापक, उनसे आप तो क्या चाहिए हिंदू मुस्लिम की यहाँ मिसाल दिया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जय बालाजी। मैं बालाजी महासभा की राष्ट्र अध्यक्षा हूँ शीतल तिवारी, और मेरा यही कहना है जो यहाँ पे राम कथा चल रही है राजन भैया के द्वारा और हनुमान जी के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा है और मुझे खुद भी इतना अच्छा लग रहा है देख के कि इतने लोगों का साथ में खाना रखा गया है और बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है, तो बहुत ही अच्छा है और बहुत खुशी मिल रही है कि सब इसमें सब साथ दे रहे हैं उनका और इसी तरह देते रहें। जय बालाजी। लखनऊ से एडीआई न्यूज़ हिमांशु वर्मा, जतिन कैमरामैन के साथ लखनऊ।